Good afternoon to all the students. I hope you all are well at your homes and studying for your exams. So, आज हम botany section से chapter 4th के कुछ और important questions करने लगे हैं. Almost आपका syllabus complete ही है, but इस chapter में से जितना भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑलमोस्ट मैं करवा चुकी हूँ, और जो रिमेनिंग है वो आज हम कवर कर लेंगे. सो डोंट टेंस अबाउट दिस चैप्टर. आपको इस चैप्टर के बारे में इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो भी करवाया जा रहा है आप यूट्यूब से सुनिए, और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसे अच्छे से एनालाइज़ कीजिए. और आपकी चॉइस है, आप ये मटेरियल भी लिख सकते हैं और समवन एल्स कहीं से भी आप उतार सकते हैं. सो आज हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है फूड चेन. ये टॉपिक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, आप 7th, 8th, 9th, 10th तक सुनते आ रहे हैं फूड चेन. एंड नाम से भी ये लगता है कि फूड की चेन. सो एक ऐसी लिंकेज है फूड चेन वाला टॉपिक जो है, आपको हो सकता है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछ लें, या फूड चेन की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल दें, या डिफरेंस आ जाए आपको फूड चेन और फूड वेब के बीच में. सो फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी लिंकिंग है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जब एक चेन में एक यूनिडायरेक्शनल में लिंक हो जाते हैं एक इकोसिस्टम में, ठीक है, उसे हम फूड चेन कहते हैं. और उस फूड चेन में क्या होता है, जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होगा ना, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, उसको एक बड़ा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, फिर जो उस बड़े ऑर्गेनिज्म थोड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा वो उसे खा लेगा. सो इन टर्न ये प्रोसेस चलता रहता है ताकि एक फूड की जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाए. ओके, अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें, सो अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसे कोई अगर छोटा सा कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है, उसको एक बड़ा कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, फिर उस बड़े कीड़े मकोड़े को क्या होगा कि फ्रॉग खा जाएगा, फिर उस फ्रॉग को क्या होगा स्नेक खा जाएगा, फिर उस स्नेक को क्या होगा ईगल खा लेगी. सो इस तरह से क्या होता है कि एक चेन चलती रहती है, और हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म बेस्ड है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल. ये हमने लास्ट अपने उसमें भी पढ़ा था, ट्रॉपिक लेवल्स, फूड चेन एंड लॉज ऑफ फूड चेन. तो आपको पता है कि हर एक ट्रॉपिक 10% लॉ, या हमने जो फ्लो ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था वो भी यही डिनोट करती है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, और फिर उस जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें उसकी 10% एनर्जी ही जाती है. ये हमने पीछे देखा हुआ है. सो फूड चेन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी. फूड चेन के पास कम से कम 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं. फूड चेन जो होती है वो बार बार रिपीटेड ईटिंग उसमें होती है, जैसे कि छोटे को बड़ा खा लेगा, बड़े को उससे बड़ा खा लेगा, उससे बड़े को सबसे बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म खा जाएगा एज ए फूड के फॉर्म में. सो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन होती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बीच में, और ये हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, और 80-90% एनर्जी जो होती है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर घटती रहती है. जैसे सपोज करो 1000 के परसेंट में अगर एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल पे, तो जब वो नेक्स्ट सेकंड लेवल पे जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ 10% ही जाएगी, ठीक है, 100 रह जाएगी, 100 वाली 10 में आ जाएगी, 10 वाली 1 में आ जाएगी. सो इस तरह से होता रहता है. सो फूड चेन क्या करती है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में. अगर हम ये देखें जैसे कि ये सन है, सोलर एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी आ रही है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ऐसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, सन की सोलर एनर्जी है उसे फूड में कन्वर्ट करके मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो प्रोड्यूसर्स के बाद ये एनर्जी जा रही है हर्बीवोर्स में, ठीक है, हर्बीवोर्स जैसे कि जो टोटली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको ईट करते हैं, जैसे कि गोट हो गई, डियर हो गया. उसके बाद आपके आगे कार्निवोर्स वो होते हैं जो इन हर्बीवोर्स को खा जाएंगे, जैसे कि आप लगा लीजिए हिरन, डियर, इसका शिकार कौन करेगा, टाइगर कर लेगा, ठीक है, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ठीक है, वो उससे ऊपर वाले आ गए. सो यहाँ पे क्या रहता है, अल्टीमेटली ये जो पोर्शन दिखाया कि ऑन डेथ, जब इन सब की डेथ होती है व्हेन दे डिके, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई ही आते हैं, और वो भी अल्टीमेटली एनर्जी जो है जो रिलीज़ करते हैं वो वापस
प्लांट्स के थ्रू, जैसे कोई भी एनर्जी रिलीज करेंगे तो गैस निकलेगी, वो देन वापस इंटर्न प्रोड्यूसर्स में चली जाती है। सो ये हर एक ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल हो गया, इस ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होगी। प्रोड्यूसर्स में जितनी भी एनर्जी थी ना, मतलब 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और आगे हर्बीवोर्स में जब वो जाएगी तो सिर्फ 10% ही जाएगी, फिर हर्बीवोर्स में जाएगी तो उससे 10% जाएगी, ठीक है। सो ये एक लॉ है कि एनर्जी जब फ्लो करती है हर एक ट्रॉपिक लेवल में तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे आगे जाती है, ठीक है। सो ये आ गई आपकी फूड चेन। अब हम पढ़ते हैं फूड वेब। फूड वेब एक नेचुरल इंटरकनेक्शन है फूड चेन की, जब बहुत सारी फूड चेन्स नेचुरली इंटरकनेक्ट हो जाएं, ठीक है, एक जाल सा बना दें, वेब सा बना दें, तो उन्हें हम फूड वेब कहते हैं। और इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम दिखाते हैं तो वो फूड वेब की फॉर्म में दिखाते हैं। ये शो करती है कि क्या ऑर्गेनिज्म एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या खाता है, व्हाट ईट्स व्हाट इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जो फूड चेन में लिंकेजेस हैं वो क्या इलस्ट्रेट करती हैं, वो फीडिंग पाथवेज को इलस्ट्रेट करेंगी, ठीक है। जितने भी फीडिंग पाथवेज हैं, जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेंगे, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स पे फीड करेंगे और बाकी हेटेरोट्रॉप्स पे फीड करेंगे। सो दिस इज़ द फूड वेब। ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये फूड वेब की है। कितने सारे वेब्स, एक जाल सा बना हुआ, हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई खा रहा है। अगर हम डिफरेंस करें, एग्ज़ाम में आपको हो सकता है डिफरेंस पूछ लें 2 या 3 मार्क्स में कि डिफरेंस क्या है फूड चेन और फूड वेब के बारे में। वैसे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, और क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी हैवी मार्क्स का आएगा, जिस 12 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर के हैं, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ज़्यादा इसी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट। बाकी उसे भी आते हैं जैसे कि जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, बट इसकी वजह थोड़ी ज़्यादा है, तो कई बार चांसेस ये होते हैं कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले। फूड चेन एक सिंगल स्ट्रेट पाथ है एनर्जी को फ्लो करने का, फूड चेन। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना थोड़ी कन्फ्यूजन है, फूड चेन देन फूड वेब आएगा, ओके, ये आप ठीक कर लेना, फूड वेब आएगा यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में। इट फूड वेब कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन थ्रू विच एनर्जी पासिस। देन यहाँ पे क्या है, ये अडेप्टिबिलिटी या कंपटीशन नहीं ऐड करती ऑर्गेनिजम्स में, बट फूड वेब जो है वो हायर ट्रॉपिक लेवल्स में फीड करती है ताकि अल्टरनेट ऑर्गेनिजम्स को, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकें हर एक ट्रॉपिक लेवल में। तो जितने भी हायर ट्रॉपिक्स के फूड चेन में क्या होता है, जितने भी हायर ट्रॉपिक्स के मेम्बर्स होंगे वो क्या करते हैं, एक सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही खाएंगे, ठीक है, एक चेन में चलेंगे। तो फूड वेब में क्या होता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इकोसिस्टम में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को भी खा सकता है। सिंपल फूड चेन जो मतलब कि फूड चेन की जो प्रेजेंस होती है वो एक्चुअली में इनस्टेबिलिटी लेके आती है, बट जो फूड वेब की प्रेजेंस होती है ये आपस में कंपटीशन लेकर आएगी, ये आपस में अडेप्टिबिलिटी लेकर आएगी ऑर्गेनिजम्स के। जैसे ईगल जो है वो स्नेक भी खा सकती है, कोई और डेड ऑर्गेनिज्म भी खा सकती है, और कुछ भी खा सकती है, हमें मार के चूहा भी खा सकती है, मतलब कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट ही कैन ईट। बट जैसे हर्बीवोर्स हैं वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, वो और कुछ नहीं खा सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में क्या है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की, जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं इस इकोसिस्टम में, ठीक है, उनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। सो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का दूसरा नाम क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, कि कैसे एक इकोसिस्टम में या एक एनवायरनमेंट में एक न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है उसका मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है, वो कैसे वापस रिप्लेनिश होता है। सो न्यूट्रिएंट साइकिल 2 टाइप की हैं, गैसेस भी हो सकती हैं और सेडिमेंटरी भी हो सकती हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए जितने भी रिजर्वियर हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल, ये सब एटमॉस्फेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस फॉर्म में होंगे तभी इसे हम कहते हैं गैसेस। और जितने भी सेडिमेंट्री वगैरह हैं, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब अर्थ के क्रस्ट में एज ए रिजर्वियर प्रेजेंट रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं।
आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली दो साइकिल्स मेंशनड हैं, जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल, तो हम दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आपको इन में से कोई भी एक साइकिल पूछी जा सकती है विद डायग्राम, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। कार्बन साइकिल जो होती है वो एटमॉस्फेयर से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन इज प्रेजेंट एज ए गैस CO2, एटमॉस्फेयर से भी हो सकती है, ओशन से भी हो सकती है, और डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर भी कार्बन के प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। अगर हमें एस्टिमेट किया जाए तो नियर अबाउट 4×10^13 kg जो कार्बन है वो हर सालाना फिक्स किया जाता है बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यू कैन इमेजिन कि हर साल नियर अबाउट 4×10^13 kg कार्बन को फोटोसिंथेटिक फॉर्म में फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये बात आपको जान के आपको पता भी होगा कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन फिक्सेशन होती है और लिविंग वर्ल्ड में कार्बन एंटर हुई है, ठीक है। एक कंसिडरेबल अमाउंट रहती है कार्बन की एटमॉस्फेयर में वापस रिटर्न होने की, जैसे CO2, जैसे कि हम जितना भी रेस्पायर्स करते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि कार्बन हम रेस्पायर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और प्रोड्यूसर्स उसे कंज्यूम करके फिक्स करने में हेल्प करेंगे। डिकम्पोजर्स जो हैं वो भी CO2 की कॉन्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। वेस्ट मटेरियल प्रोसेसिंग करेंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर लैंड का चाहे ओशियंस का हो वहाँ पे भी जितने भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा उसके थ्रू भी रिलीज होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या करते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन में ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और जिससे कि कार्बन साइकिल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। आपको पता है कि CO2 क्या है, एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में ही आती है। इससे क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। देन वी हैव फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल एक काफ़ी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लिक एसिड्स का, सेलुलर एनर्जी का, जो कि सिस्टम ट्रांसफ़र करता है। आपको पता ही है, हमने DNA के बारे में पढ़ा था कि फॉस्फेट यू नो लिंकेजेस प्रेजेंट रहते हैं DNA न्यूक्लियोटाइड्स में आपस में। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें कुछ लार्ज क्वांटिटीज़ में इस एनिमल एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो शेल्स बना सकें, बोन्स बना सकें, टीथ बना सकें। इवन हमारे बोन्स में, टीथ में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। हाँ, कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट है बट फॉस्फोरस की अमाउंट भी प्रेजेंट रहती है, और हमारे DNA में जो लिंकिंग बॉन्डिंग में हेल्प करता है वो आपका फॉस्फेट ही है। देन जितनी भी हमारे अंदर जैसे ATP है ना, एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ADP एडीनोसाइन डाईफॉस्फेट, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जितने भी नेचुरल रिजर्वायर हैं फॉस्फोरस के वो रॉक्स हैं, मेनली रॉक्स से ही क्या है, रॉक्स की वेदरिंग से ही क्या है कि फॉस्फोरस रिलीज होता, मतलब बनता है एक तरह से। रॉक्स जब वेदर्ड होते हैं तो जिनके छोटे छोटे माइन्यूट अमाउंट्स निकलते हैं फॉस्फोरस के, वो सॉइल में डाइल्यूट हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर उनके बाद क्या होता है कि वो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने भी हर्बीवोर्स हैं और जो बाकी एनिमल्स हैं वो इस एलिमेंट को कहते हैं कि प्लांट्स के थ्रू, जैसे हम हैं, हम सब्जियां खाते हैं, सीरियल्स क्रॉप्स वी कंज्यूम, तो हम उसके थ्रू फॉस्फोरस इंजेस्ट कर लेते हैं। बाकी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उन्हें फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं एंड देन रिलीज कर देते हैं फॉस्फोरस। बाकी फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर में कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है, मतलब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम करते हैं हम रिलीज करते हैं, ऐसा फॉस्फोरस का कोई भी ऐसा रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, और ये इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन साइकिल। ये आपकी कार्बन साइकिल है, प्रोड्यूसर्स बर्निंग, प्रोड्यूसर्स रेस्पिरेशन, कंज्यूमर्स डेथ वेस्ट फॉसिल फ्यूल्स, या आप किस तरह से कैसे साइकिल चल रही है और वापस कैसे एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो रही है।
देन वी हैव फॉस्फोरस साइकिल, प्लांट्स एनिमल एक्सक्रीशन के थ्रू वापस डिजोल्व फॉस्फेट, वही डिजोल्व फॉस्फेट प्रोटोप्लाज्म के थ्रू प्लांट्स में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं वो फॉस्फेट रॉक्स में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। देन इरोजन, देन उसके बाद फॉस्फेट डिजोल्व हुई है, देन उसके बाद जितने भी शैलो मैरिन सेडिमेंट्स हैं वहाँ पे गई, उसके बाद वो डीप सेडिमेंट्स में घुल गए और एक क्रिस्टल फॉर्म फॉस्फोरस की बन गई। सीवीड्स में भी फॉस्फोरस चला गया, मैरीन बर्ड्स और फिशेस में चला गया, अल्टीमेटली वापस फॉस्फेट रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। सो ये भी एक साइकिल चल रही है फॉस्फेट की, फॉस्फेट की रेगुलेशन कैसे हो रही है। देन वी हैव नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स हॉटस्पॉट्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। जितने भी वेरिएशंस हम देख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ की पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इंडिया के नियर अबाउट, इंडिया कितनी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इंडिया के पास नियर अबाउट 24.46 ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि फॉरेस्ट और ट्रीज से कवर्ड है। सो यहाँ पे कुछ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में हॉटस्पॉट्स के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, सो आपको तब एग्ज़ाम में इसका आंसर यही लिखना है। सो चार मेजर हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। एक है आपका हिमालयाज वाला रीजन, दूसरा है आपका है इंडो बर्मा रीजन, तीसरा आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, चौथा आपका सेंडालैंड्स हैं, ठीक है। सो अगर हम हिमालयन रीजन्स की बात करें तो ये जो रीजन है ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, हिमालय का जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, जैसे यहाँ से अगर हम दिल्ली, यूपी, असम, मिजोरम, नेपाल वाला जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन है, ठीक है, ये सारा आपका हिमालयन रीजन है। सो यहाँ पे नियर अबाउट 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनमें से कि सबसे फेमस वाले कौन कौन से हैं, वाइल्ड एशियन वाटर बफेलोस, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, जिसमें से कि 3160 एंडेमिक्स हैं। एंडेमिक्स मीन्स जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन भी एक हॉटस्पॉट है, स्पेशली जितने भी फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ हैं ना, एंडेमिक वाले मीन्स कि जो एक इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में ही एग्जिस्ट करेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, नाउ वो क्या हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। और क्योंकि उनकी हार्वेस्टिंग बहुत हो रही है और हैबिटेट्स का भी उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो थ्रेट वाले एरिया में थ्रेटेंड स्पीशीज़ में आ चुके हैं, इस रैंक में आ चुके हैं वो। यहाँ पे नियर अबाउट 1300 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़ भी हैं, जिसमें कि ग्रे क्राउंड क्रोशियास भी हैं। देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन को हम उसको इस तरह से ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा और फौना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा आपका होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, फौना आपका होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। सो जितना भी ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा और फौना है वो नियरली इस तरह ही रिप्रेजेंट, नियर अबाउट 229 प्लांट स्पीशीज़ हैं, 31 मैमल स्पीशीज़ हैं, 15 बर्ड स्पीशीज़ हैं, 43 एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, 5 रेपटाइल स्पीशीज़ हैं और एक जो है वो फिश वाली स्पीशीज़ है। सो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया के वेस्टर्न एज से प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपने सुना होगा वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। सो नेक्स्ट वी हैव सेंडालैंड्स। ये वाला रीजन जो है वो अपने रिच टेरिस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो मैरीन इकोसिस्टम है, ठीक है, यानी कि मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यहाँ का जो टेरिस्ट्रियल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखी जाती है। तो जो सेंडालैंड्स हैं वो एक बायोलॉजिकली रिच हॉटस्पॉट भी है वर्ल्ड में भी, जिसके पास नियर अबाउट 25,000 स्पीशीज़ हैं वैस्कुलर प्लांट्स की, मतलब वर्ल्ड में क्या है कि 25,000 वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, जिसमें से कि 15,000 स्पीशीज़ तो इसी एरिया में ही हैं, सेंडालैंड्स में ही हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना रिच हॉटस्पॉट है सेंडालैंड एरिया का। सेंडालैंड एरिया जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया कवर करता है, सिंगापुर वाला रीजन कवर करेगा, थाईलैंड करेगा कवर, इंडोनेशिया कवर करता है और ब्रुनेई और मलेशिया वाला पोर्शन कवर करता है। सो दिस वाज अबाउट हॉटस्पॉट्स।
नेक्स्ट वी हैव पोल्यूशन टॉपिक, ये आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला जो पोर्शन है ना, आप चैप्टर फोर्थ में जो आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला पोर्शन है उसके नीचे आपके बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और पोल्यूशन वगैरह है और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। सो ये भी आपका चैप्टर फोर्थ में ही आता है, सो ये भी हम पढ़ेंगे। पोल्यूशन जो है, बेसिकली पोल्यूशन किसे कहते हैं, हम आज तो सुनते आ रहे हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, अरे बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। सो पोल्यूशन बेसिकली है क्या, ठीक है, समझते हैं कि पोल्यूशन एक ऐसा चेंज है बेसिकली, ठीक है, जितने भी फिजिकल कंपोजिशन है इन्वायरमेंट की, ठीक है, जितने भी फिजिकल कंपोजिशन है इन्वायरमेंट की, यानी कि फिजिकली बायोलॉजिकली जो भी चेंज आ रहे हैं, ठीक है, जो भी चेंज आ रही हैं उसकी वजह से कोई भी ऐसी टाइप का केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज या बायोलॉजिकल चेंज जब एक इन्वायरमेंट में आ जाए जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फिट नहीं है, इट इज़ अनफिट फॉर द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोसेस ऑफ डंपिंग ऑफ अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, कि पोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अनवांटेड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए घातक हैं, उसके लिए अच्छे नहीं हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कम्युनिटी में फिट नहीं बैठने देते, उसे हम पोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि DDT, आप पहले DDT का बहुत यूज़ हुआ करता था, जब DDT नहीं थी तो बड़े सारे ऐसे इन्वायरमेंट में क्या था कि मक्खी मच्छर कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे मच्छर की तरह ही कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उन्होंने बहुत तंग करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद DDT का छिड़काव होने लगा, ठीक है, DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, आप देख लेना इसके एक बार थोड़ा सा। जब DDT का यूज़ होने लगा तो DDT से क्या है कि चींटियाँ हों चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों, सो उसकी स्प्रे करने से ये देखा गया कि ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, चाहे वो चींटियाँ हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सो उन चीज़ों से हमें बचाव होने लगा। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि DDT की कंजप्शन से ये एक ऐसा अनडिज़ायरेबल केमिकल है, केमिकल ही है, इसने इन्वायरमेंट में चाहे अगर हम इसे स्प्रे की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, पाउडर की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट में चेंज लाने लगा। फिर हम उसका जगह जगह छिड़काव कर रहे हैं, वही चीज़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ह्यूमंस के यूज़ में आ रही है, हमारे अंदर भी वही पार्टिकल्स जा रहे हैं, सो उसके कंजप्शन से क्या होने लगा कि नुकसान होने लगा। सो एक तरह से ये भी एक क्या है, पोल्यूटेंट ही है जो कि अनफिट है इन्वायरमेंट के लिए। सो पोल्यूशन कोई भी फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज है जो ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए अनफिट कर देता है। और पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे कि पोल्यूशन होता है, वो क्या करते हैं कि फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को नेचुरली चेंज, उनकी नेचुरल कंपोजिशन को चेंज कर देंगे ये सब्सटेंसेस, और जिससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटी डिस्टर्ब होगी, ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या हैं इसकी, एक तो है आपका डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए इन्वायरमेंट में, जैसे कि उनको बैक्टीरिया फंजाई मिलके उनको क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, मतलब कि वो क्या होंगे, उनके एक्शन होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि कंपोस्ट, मैन्यूर, वुड, पेपर, ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरल बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये डिकम्पोज हो जाएंगी, इनका कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का, ये वो पोल्यूटेंट्स होंगे जो नेचुरली अकरिंग डिकम्पोजर्स इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते, जैसे प्लास्टिक कितनी यूज़ हो रही है, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ग्लास, पॉलीथीन बैग्स कितने बैन हुए थे कि ये धरती को बंजर बना रहे हैं, फर्टिलिटी धरती की लॉस हो रही है। सो ये सब आपके नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के आते हैं जिन्हें हमारे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर पाते। फिर आते हैं आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली
पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, जब उन्हें हम इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर्स, कितना खाद का यूज़ होता है, यूरिया अमोनिया, कितना कुछ डालते हैं हम अपनी क्रॉप्स को जल्दी पैदावारी करवाने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए हम कितना नुकसान कर रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर हमसे भी ज़्यादा सफ़र करेगा। सॉइल पार्टिकल्स को हम कितना मतलब पोल्यूट कर रहे हैं, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, वही सब चीज़ें हम खा रहे हैं, हम भी पोल्यूट हो रहे हैं। 100 बीमारियाँ इंसान को लगी हुई हैं, पहले BP यूरिया जैसी प्रॉब्लम ही नहीं थी, यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम ही नहीं थी, अब कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसका अल्टीमेटली कॉज जो है वो पोल्यूशन ही है, हम लोग ही हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स जो कि रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे, वो जब रिलीज़ किए जाएंगे किसी चीज़ से रिएक्ट करेंगे तब उनका असर देखने को मिलता है, ठीक है। और वो है आपकी जैसे ओजोन हो गई, ओजोन लेयर आपको पता ही है प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, ठीक है। बट क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे AC और रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, ये रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ और ओजोन को वीक बनाते हैं, ओजोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ओजोन में होल लाने की कोशिश करते हैं। फिर इस रिएक्शन से क्या होता है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की केस में आ जाता है। फिर उससे क्या होगा कि यूवी रेज हमारे अर्थ पे पड़ेंगी, यूवी रेज बहुत घातक होती हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। सो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है सॉलिड पार्टिकल्स का, या फिर आप गैसेस का कह सकते हैं एयर में, जो कि हार्मफुल है। सपोज एयर पोल्यूशन कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं और ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारे एयर जो कि एक एनवलप की तरह काम करती है उसमें मिक्स हो गए हैं और उसे हार्मफुल बना रहे हैं। कॉजेज क्या क्या हैं इसके, एक आउटलाइन में पढ़ेंगे हम। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें, मैन मीन्स अगर हम इसके मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, आप इस टाइटल को इस तरह लिख सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो कि आपके मैन के थ्रू मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू आती हैं, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा एक तरह से गंद फैलेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ेंगी, इंसान हर एक चीज़ को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा और हर एक एक्टिविटी से प्रभाव पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़, जितनी भी ये मॉडर्नाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, अल्टीमेटली ये हमें क्या दे रही है, लग्जरीज, सुख सुविधाओं ने इतना अंधा कर दिया इंसान को कि वो अपनी बर्बादी खुद ही नहीं देख पा रहा है कि आने वाली जनरेशन फ्यूचर में सबसे बड़ी शॉर्टेज जो होगी वो ऑक्सीजन की ही होगी। जिस तरह आज हम डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है बाज़ार से, वो चीज़ लेनी है, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ऑक्सीजन लेने के लिए भी तरसेंगे। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कितने ज़्यादा आज हर घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं और हर एक गाड़ी से पोल्यूशन निकल रहा है, अल्टीमेटली वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर। और अर्बनाइजेशन, गाँव को लोग कुछ समझते ही नहीं हैं, सोचते हैं ये अर्बन एरिया होना चाहिए, इससे और मॉडर्नाइजेशन करो। इवन मतलब जैसे कोई अगर सिंपल खाली ग्रीनरी है, खाली ज़मीन है, उसे भी लोग तोड़ मरोड़ के इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं, और वो कितने नुकसान है, पेड़ लोग उगा नहीं रहे हैं। और अगर नेचुरल कॉजेज़ की बात करें, नेचुरल कॉजेज़ में जैसे फॉरेस्ट फायर, अभी कुछ 1-2 साल पहले हमने सुना था कि अमेज़न के जंगलों में कितनी आग लग चुकी थी, रीज़न किसी को नहीं पता था, बट सुनने में आया था कि ऑलमोस्ट अमेज़न का 50% नुकसान हो चुका था। अमेज़न में कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, कितने पेड़ हैं, और वो 50% नुकसान हो चुका था अमेज़न फॉरेस्ट में। हालांकि अमेज़न फॉरेस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वॉल्केनो वगैरह जब रिलीज होते हैं तो उनका मतलब मैग्मा या लावा निकलता है, वो बहुत नुकसान होता है। वो क्या करता है कि अल्टीमेटली हमारी अर्थ में और जो पोल्यूशन इससे क्रिएट होता है हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोनिक विंड्स एंड सुनामीज, ये सब तबाही ही लेके आते हैं, इनकी वजह से कितने पेड़, कितने एरियाज नुकसान हो जाते हैं। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैसी दो गैसेस हैं, वैसे तो बहुत सारी घातक गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा आउटकम ये भी है कि
एसिड रेन, जो कि मेनली क्या होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से होती है। जब एयर पोल्यूशन में कुछ ऐसी गैसेस, हानिकारक गैसेस, सल्फर, नाइट्रोजन, इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। सो व्हेन दे रिएक्ट विद द क्लाउड्स और वाटर्स, बाद में यही प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में एसिड रेन बन के गिरती है नीचे। और एसिड रेन हमारे आसपास के वातावरण, हमारी अर्थ, हमारी सॉइल और हमारी बिल्डिंग्स, जैसे कि ताजमहल के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पे एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का जो संगमरमर का मार्बल है वो काफ़ी करोड हो चुका हुआ है, जंग लग चुका है उसको, ठीक है, वो वैसी शाइन उसकी रही ही नहीं। सो एसिड रेन का काफ़ी इम्पैक्ट होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में वही एसिड रेन बन के आ रहा है, वही घुल रहा है, वही मिक्स हो रहा है सॉइल में, वही पानी कहीं ना कहीं हमारे कंटैक्ट में भी आ रहा है। कंट्रोल क्या क्या होगा, कंट्रोल वाले बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इसमें से कट शॉर्ट कर लेना आराम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि पर्टिकुलेट मैटर 99% सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव की जा सकती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स से। इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स लगी होती हैं और कलेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वॉल्ट से चलता है ये, हम इसके बारे में जस्ट आउटलाइन पढ़ेंगे। स्क्रबर, स्क्रबर जो एक डिवाइस है, यह करता है कि ये जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस को रिमूव करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, जितने भी एक्सपेंसिव मेटल्स हैं जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, रोबियम, ठीक है, तो एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और ऑटोमोबाइल्स में फिट किए जाएंगे ताकि पॉइजनस गैस का एमिशन जो है वो रिड्यूस किया जा सके। और जितना भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें हम CO2 और HO2 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ताकि CO2 और N2O चेंज हो जाएं CO2 और N2O में। कार्बन मोनोक्साइड यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड बहुत नुकसानदायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में कार्बन मोनोक्साइड उससे ज़्यादा नुकसान होती है। जब इन प्रॉपर बर्निंग होती है या इन कम्बशन टाइप सिचुएशन होती है तब क्या होता है कि तब CO रिलीज होती है। वाटर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन बेसिकली पानी में जो पोल्यूशन, जो कंटामिनेशन हो जाती है, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी जब कंटामिनेशन हो जाती है कुछ ऐसे सबस्टांसिस के जो पानी को अनस्टेबल बनाते हैं पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए और बाकी जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, पहला कॉज है इसका एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, जितने भी सबस्टांसिस हैं जो पानी को पोल्यूशन कॉज करते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, जब जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, टॉक्सिक मेटल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब क्या कर देते हैं, ये सब वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। कई बार जितना भी लोग जो सी फूड या एक्वाटिक फूड कंज्यूम करते हैं लाइक फिश, सो वहाँ पे भी कई बार बीमारियाँ फैल जाती हैं कंटामिनेशन, पानी के कंटामिनेशन के कारण। देन वी हैव डोमेस्टिक सीवेज, जितना भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि बैक्टीरिया और बाकी माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, और डिकम्पोज उसे कर देते हैं, उसके सिंपल फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। सो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा और ऑक्सीजन को जितनी भी ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन अगर वो वाटर बॉडी की यूज़ करते जा रहे हैं इससे क्या होगा कि डिसॉल्व ऑक्सीजन जितनी भी है उसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फिश और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की नुकसान हो जाता है। मतलब अगर सपोज करो कुछ भी किसी भी टाइप का बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हम डंप करते जा रहे हैं, तो जितने भी आसपास के बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे उस ऑर्गेनिक मटेरियल को सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे और क्या करेंगे उसकी डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे। जितनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन यूज़ करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन कम होती जाएगी, तो उससे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन पर नुकसान पड़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। एल्गल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स के बारे में आपने सुना होगा, जब बहुत सारी एल्गा इकट्ठी हो जाए किसी भी एक
पॉन्ड में, लेक में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, इससे कि क्या हो, सिर्फ एल्गी ही एल्गी जमा हो जाए और उसका जो जितना भी रिच न्यूट्रेंट है वो सारा का सारा एल्गी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वाटर की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है और फिर डेथ रेट, जितने भी फिशीज़ वगैरह हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाती है। सो एल्गल ब्लूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं ह्यूमन बींग्स के भी लिए, जैसे कि ब्रूगिन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है इसके बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग, आई मीन आपने सुना भी हुआ है, शुरू से सुनते आ रहे हैं हम। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वार्मिंग ऑफ द ग्लोब, ठीक है, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। जब अर्थ का क्लाइमेट काफ़ी टाइम से हीट होता जा रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जितना भी ये तब से देखा जा रहा है जब से प्री इंडस्ट्रियल पीरियड शुरू हुआ हुआ है, मतलब अभी तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के बारे में शुरू करें, शुरू वाला एरिया, जैसे कि 80s और 90s वाला एरियड पीरियड जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, जिन्होंने क्या किया कि जितनी भी हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस हैं ना उसे कंज्यूम, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई। आपको पता है कि हमारे अर्थ में एक एटमोसफियर, एक एनवलप रहती है, एटमोसफियर एक एनवलप की तरह काम करता है, ठीक है, एक शील्ड प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो गैसेस क्या करती हैं कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अगर वो गैसेस ना हों तो ये पूरी की पूरी अर्थ जो है वो फ्रीज हो जाए, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ना हो। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं या बर्निंग या ऐसे इंडस्ट्रीज वाले प्रोसेस है, जितनी भी गैसेस रिलीज होती हैं, इन गैसेस की अमाउंट बढ़ने शुरू हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे अगर नाइट्रोजन 78% है तो उसकी उतनी ही डिमांड है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होनी चाहिए तो उसकी उतनी ही डिमांड है, जब इससे ज़्यादा एक्सीड कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है तो उसकी उतनी ही डिमांड है, उतना ही होना चाहिए। बट अगर उससे ज़्यादा एक्सीड होने शुरू हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगी, हीट को ट्रैप करने में हेल्प करेंगी। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ डिग्रीज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं वो बढ़ेंगे, फॉरेस्ट फायर, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, अनस्टेबल क्लाइमेट, तो उससे क्या होगा, तबाही आएगी। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से जो इफेक्ट, हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम जब देखते हैं अर्थ पे, मतलब जैसे इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी अर्थ हीट होना शुरू हो जाती है, वार्म होना शुरू होती है, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो इसके बारे में सबसे पहले सजेस्ट किया था एक स्वीडिश साइंटिस्ट अरहेनियस ने 1896 में, ठीक है, जब ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। उसने ये बताया था कि जितने भी कंसंट्रेशन हैं इन गैसेस की जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी आने वाले टाइम पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, और फिर ये गैसेस की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी और इससे क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डिग्री से इंक्रीज़ हो सकता है। सॉरी, एस्टिमेट के हिसाब से देखा गया है कि 1% 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो सकता है 2026 में और 3% राइज हो सकता है 2100 में, ठीक है। सो ग्लोबल सी लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर 2030 में और 65 सेंटीमीटर इन 2100। सो ये क्या कर सकता है कि बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस लेके आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, ये सब पिघलना शुरू हो जाएंगे, पानी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, फ्लड जैसी कंडीशन आएंगी, सुनामी जैसी कंडीशन आएंगी, साइक्लोन्स जैसी कंडीशन आएंगी, ठीक है, वेरिएशन आएंगी। सो इफ़ेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? सबसे पहला इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज, ओके, सेकेंड है एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, मौसम का चेंज होना, बिन मौसम बारिश, कभी सूखा पड़ना, कभी स्नोफॉल होना, प्रेसिपिटेट होना,
मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जितने भी ग्लेशियर्स हैं और आइस कैप्स हैं उनका मेल्ट हो जाना गर्मी की वजह से, सी लेवल में इंक्रीज़ होना, ऑब्वियसली पानी बह के जब सी लेवल्स में आएगा, ओशंस में आएगा, तो उनका लेवल इंक्रीज़ होगा, एसिडिफिकेशन बढ़ेगी, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये बहुत ही थ्रेट हो सकती है, घातक हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र फिर बाद में ह्यूमंस ही करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप आप सबको समझ आई हो, और ये टॉपिक आप अपने फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, मटेरियल आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप उसे अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, डायग्राम्स की जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क, हम क्लासेस लेते हैं वेंसडे को 11 बजे, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें वेंसडे वाली क्लास में, बाकी आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है, सो सिलेबस कंप्लीट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।